नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। बात करेंगे आज भारत जोड़ो यात्रा की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दो दिन के अवकाश के बाद आज कर्नाटक के मांड्या जिले से राहुल गांधी के नेतृत्व में फिर से शुरू हुई है। यात्रा में पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हुई। यात्रा के दौरान सोनिया गांधी के जूते लूज होने पर राहुल गांधी ने उन्हें बांधा। राहुल गांधी उनके जूते बांधते हुए नजर आए और इस फोटो व इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जमकर लोगों द्वारा शेयर किया जा रहा है। ये फोटो ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष व राज्य के पूर्व मंत्री डीके शिवकुमार ने इस मौके पर कहा कि विजयदशमी के अवसर पर अब राज्य में कांग्रेस की विजय होगी। हम राज्य में सत्ता में आ रहे हैं और भाजपा की दुकान बंद होने वाली है। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि सोनिया गांधी राज्य की सड़कों पर उतरी हैं। कर्नाटक में आज भारत जोड़ो यात्रा पांडवपुरा से नागमंगला तुलका में जाएगी और सोनिया गांधी के कल दशहरे पर वो जो है वो मैसूरू जिले में एचडी कोट विधानसभा के बेगूर गांव में जो है मंदिर की पूजा अर्चना वहां पर की जाएगी और वहां पर पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि वे आज मांड्या जिले के पद यात्रा में शामिल हुई। बुधवार को राहुल गांधी ने उनके साथ दशहरा मनाया व काबिनी बांध के पास भी रिसोर्ट में वो रुकी थी। इस दौरान काबिनी जंगल की सैर भी उनके द्वारा की गई। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं का इस दौरान बड़ा ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सोमवार दोपहर मैसूरी पहुंची थी। मंगलवार को बुधवार को दो दिन के लिए वो भारत जोड़ो यात्रा का अवकाश था और गुरुवार को जब मांड्या से भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू हुई तो राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी भी उनके साथ वहां पर शामिल हुई। इससे कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं का उत्साह भी कई गुना ज्यादा बढ़ गया। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत में के वक्त सोनिया गांधी विदेश में अपना इलाज करवा रही थी। इसी दौरान उस वक्त जो उनकी मां थी उनका भी निधन हो गया और इस पर गांधी परिवार इटली गया हुआ था। सोनिया गांधी हाल ही में स्वदेश लौटी हैं। हालांकि चुनावों में सोनिया गांधी स्वास्थ्य कारणों से जुड़े प्रचार में शामिल नहीं हुई थी और लंबे समय के बाद पार्टी के किसी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम व कार्यकर्ताओं के बीच वो सम्मिलित हुई हैं। आपको बता दें कि करीब 5 माह चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी। राहुल गांधी 3,570 किलोमीटर की इस पूरी यात्रा में शामिल रहेंगे। वहीं इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।